घबरा क्यों रहे, किसी और का नाम नहीं पूछा, आप ही का पूछा है हमने। अरे दो बार सुनील जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुनील जी के लिए। तो इस बार क्षेत्र में बीजेपी चाहिए नहीं चाहिए, तो एक छोटी सी बात बताइए क्यों चाहिए? देश के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, देश के लिए ऐसे नेता की जरूरत है मोदी जैसे, इसलिए बीजेपी का नहीं चाहिए। एक बार मेरे साथ बोले वोट फॉर बीजेपी। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 49 में, जहां से भाजपा के निगम प्रत्याशी अशोक बिड़लान जी, आपको पता है, मैदान में उतर चुके हैं और भी अन्य कई पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लोग भी हैं वो मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतर चुके हैं। दंगल छिड़ा हुआ है राजनीति का, किसके सिर बंधेगा विजय का सहरा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अशोक बिड़लान जी की तरफ से जो नुक्कड़ नाटक पेश कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, ये वो टीम है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात को, देश के विकास को और मोदी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो नुक्कड़ नाटक ये पेश करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से ली, आखिर इन लोगों ने क्यों ठाना कि बीजेपी की ही तरफ से इन्हें नुक्कड़ नाटक करना है, जबकि और अन्य कई पार्टियां भी जो है वो मौजूद है मैदान के अंदर। तो बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मिश्रा है। राहुल जी, आप नुक्कड़ नाटक कब से कर रहे हैं? मैम एक्चुअली हमारा फ्लैश मॉब है और ये हम लोग करीब, हमने लास्ट ईयर भी किया था, पिछले 4 साल से हम लोग इलेक्शन के लिए कर रहे हैं और ये लोग हमारी टीम है, ये काफी समय से अलग अलग जगह से आके डांस सीखती है। और फिर मैंने कहा कि जो हमारी जनता होती है उनको हमेशा म्यूजिक, डांस और ये सब बहुत एंटरटेन करता और कनेक्ट करता है, तो ये भावना थी कि हाँ मैं डांस करता हूँ तो लोगों को सही पार्टी से जोड़ना चाहिए, और उस समर्थन में ये लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम? मैम मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आखिर आप बीजेपी की तरफ से नुक्कड़ नाटक पेश कर रहे हैं, तो आपने जो विकास की बातें की, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संदेश मोदी जी का जन जन तक पहुंचाया, क्या वाकई में आपको लगता है कि वाकई में विकास जो है वो भाजपा की तरफ से पॉसिबल है? 5 साल से तो हुआ है, क्योंकि कोरोना में कितना मोदी ने अपना योगदान दिया, तो आगे भी होगा, वादे किए हैं तो पूरे तो होंगे। और इसके अलावा आप क्या करते हैं नुक्कड़ नाटक के अलावा? स्टडी करते हैं स्टूडेंट है आप? जी। आपका क्या नाम है? निहारिका। निहारिका, निहारिका जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको नुक्कड़ नाटक करने चाहिए, या फिर आपका कोई सपना था कि आपको इस तरीके के फील्ड में आना है? सपना नहीं था, हम मतलब एकेडमी में हैं साथ में, तो इनसे अभी अभी आप मतलब एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार मैम, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब की बार दंगल छिड़ा हुआ है, काफी और भी पार्टीज के लोगों ने अपने नुक्कड़ नाटक की टीम जो है वो फील्ड में उतारी है, लेकिन जिस तरीके से आप पेश कर रहे हैं मोदी जी की जो संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बिड़लान जी के मैसेज को पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रभाव लोगों तक जाएगा? मैं बताना चाहूंगा, हर एक इंसान के अंदर अपना दिल होता है और दिल से वो जिसको चाहे उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैम हमारे पे कोई दबाव नहीं है, हम भी किसी के मतलब प्रत्याशी नहीं है, हमारे को एक काम मिला करने के लिए, हमको उसके लिए बहुत प्रोत्साहन है कि हम जैसे डांस फील्ड के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, हम इन सबको इस डांस ग्रुप से और देश की सरकार हमारे को इस फील्ड में उतार रही है। मतलब जैसा कि आपने सुना, इन युवाओं ने कहा कि अगर एक डांस के जरिए, एक नुक्कड़ नाटक के जरिए एक प्रतिभा है उसे निखारा जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। हम डांस करते कई बार हमें नकारा जाता है, कई बार बुरा भी बोला जाता है, बट इस वे के तरीके से हम लोगों तक बता सकते कि हाँ आप अगर डांस करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं, तो आप अपनी कला को किस तरीके से प्रभावशाली बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनके साथ रहकर, तो ये एक माध्यम है लोगों तक जुड़ने का, और हम उनके समर्थन हैं क्योंकि हम चाहते हैं मोदी जी का सपना पूरा हो, एक जो तस्वीर उन्होंने देश के लिए देखी है वो पूरी हो, हर युवा को काम मिले, वो जो चाहता है करना उसको उसके लिए उत्तेजना मिले, प्रोत्साहन मिले, बाकी हम तो बता सकते हैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि एक जो सीढ़ी एक माध्यम है, जो हमारे अशोक भाई जी एक माध्यम है इस क्षेत्र से, कि वो एक मोदी जी का जो उन्होंने तस्वीर देखी वो बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि एक जब बहुत बड़ी चीज तैयार होती है तो उसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोग लगते हैं, बहुत चीजें लगती है, तो ये एक माध्यम है, एक सीढ़ी है स्पॉट से कि वो वहां तक उन्हें जोड़े।
युवाओं के सपने ऐसे हैं कि वो इस एक छोटे प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, और जिस लेवल पर वो पहुंचना चाहते हैं उसकी पहली सीढ़ी मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 49 के अशोक बिडलान जी ने वो पहली सीढ़ी इन्हें दिखाई, इन्हें बताया कि आगे भविष्य में इनके लिए वो पूरा सपोर्ट करेंगे, और हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी इन बच्चों को आगे बढ़ने का एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर चलकर ये अपनी प्रतिभा को आगे निखार पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक युवा किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में उतरता है तो कुछ सोच कर उतरता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।